हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नया दिन, नया व्लॉग। तो मैं सोच रहा था इस व्लॉग को ना काफ़ी कैजुअल रखते हैं बातें। तो पहले तो मेरे को ये फीडबैक बताना कि भाई ऐसे ही व्लॉग चलें तो सही है या फिर फेस लेके आऊँ, मतलब मैं खुद से अपने फेस पे कैमरा करके बातें करूँ। तो ये सब बताना, फीडबैक देना और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट भी दिखा दो यार। तो वैसे तो आपको मैं अपना जनरल रूटीन बताता हूँ, डेली रूटीन क्या है हमारा। वैसे बिज़नेस है, जो हमारा बिज़नेस है वो स्कूल रिलेटेड बिज़नेस है। तो डेली रूटीन में वैसे हम लोग को मॉर्निंग निकल के थोड़ा स्कूल्स में राउंड मारना पड़ता है, जितने भी स्कूल्स में मतलब जाना जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कौन बुलाता है कौन नहीं बुलाता है। फिर ये जितने भी स्कूल्स हैं दिन के उतने राउंड मार के फिर हम लोग चले जाते हैं ऑफिस। ऑफिस बाकी दिन पूरा ऑफिस में बैठते हैं। तो फिर बाकी हाफ डे मतलब समझ लीजिए स्कूल राउंडिंग रहता है और हाफ डे ऑफिस में बैठने रिलेटेड रहता है। तो आज भी तीन चार स्कूल हैं, निकले हैं घर से, चलो देखते हैं। बाकी डैड का भी थोड़ा काम है, वो भी कंप्लीट करवाना है। वैसे आज मैं जिस रूट पे जा रहा हूँ, अगर आप हैदराबाद से तो पता ही होगा आपको, अगर नॉन हैदराबाद से तो आपको वैसे भी पता होगा चार मीनार काफ़ी फेमस है। तो ये है चार मीनार की गलियाँ, ये मेन रोड है एक्चुअली। यहाँ पे फ्राइडे बहुत ही बड़ा बाज़ार लगता है, जो पूरा रश रहता है यहाँ पर, मतलब चलने की भी जगह नहीं रहती है, गाड़ी तो भूल ही जाओ। तो ये रास्ता मेन रोड है, मतलब सामने आप देख सकते हैं चार मीनार। ये यहाँ पे बीच में फाउंटेन हुआ करता था पहले, अब पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इसके आगे पहले गाड़ियाँ जाती थी, अब तो गाड़ियाँ जाने भी नहीं देते हैं, खाली वॉकिंग का पाथ कर दिया है। तो ये है चार मीनार, देख लो भाई, देख लो फ्री में। चलो चलते हैं, अब मैं जल्दी स्कूल ही पहुँचने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं स्कूल के बाद, मैं थोड़ा काम कंप्लीट कर लूँ, दो तीन स्कूल राउंड मारने के बाद बताऊँगा, क्योंकि खाली रोड दिखाता रहूँगा आप वैसे ही बोर हो जाओगे। तो मिलते हैं स्कूल के बाद। तो हाँ जी, स्कूल के काम तो हो गए हैं, अब बचा है डैड का काम होना जरूरी है, मेन तो वही है। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं डैड का काम। वैसे टाइम तो लगेगा काफ़ी, तो कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। वैसे ये नई चीज़ देख लो, ये यहाँ पे हैदराबाद की मेट्रो अभी यहाँ पे चालू हो गई है काफ़ी, लेकिन पूरे कनेक्टिविटी तो अभी नहीं हुई है। लो कहते ही आ गई मेट्रो भी आ गई। तो ये नामपल्ली है यहाँ पे मेन, मतलब इसका जो मेन हैदराबाद का जो स्टेशन है वो ये नामपल्ली में ही है। अब लेफ्ट में नामपल्ली स्टेशन है, हम लोग को जाना है राइट, वरना आपको नामपल्ली स्टेशन भी दिखाता। ये है राइट साइड में नामपल्ली ग्राउंड्स, यहाँ पे काफ़ी एग्जीबिशन मतलब बहुत फेमस है हैदराबाद का एग्जीबिशन, वो यहाँ पे लगता है। तो अभी बस पहुँचने वाले हैं जहाँ पे डैड का काम है, उसके बाद मिलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया यार, 30-40 मिनट हो गए अभी तक बैठे बैठे, भूख लग गई तो मैंने स्विगी से थोड़ा ऑर्डर कर लिया आसपास जो भी खाना मिलता है। ये आ गया अपना खाना, देखते हैं क्या क्या आया है, अगर मुझे जल्द पता ही है आपको दिखा देता हूँ। तीन चार पैकेट हो गए, तो ये लो और ये भी लो। वाह, इडली सांभर बेस्ट क्विक बाइट के लिए, और बहुत ही टेस्टी है। यहाँ का एक कामत रेस्टोरेंट है, मतलब साउथ का तो फेमस है, बहुत ही अच्छा कामत रेस्टोरेंट है, अमेजिंग फूड, अमेजिंग। सॉरी गाइस, एकदम पापा का फ़ोन आ गया था जैसे मैंने खाना कम्प्लीट करा था। तो पापा का काम तो हो गया है, तो आज का ऑलमोस्ट रूटीन तो कम्प्लीट हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करा दो यार, बहुत सपोर्ट चाहिए। तो मैं ऐसे ही व्लॉग्स लाते रहूँगा, और ज़रूर फीडबैक देना कि मैं ऐसे ही व्लॉग्स लाऊं या फिर फेस लेके आऊं, तो जैसे भी हो मैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, सिया।